हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम वीडियो नंबर 40 कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा से ही रिलेटेड है। वीडियो नंबर 39 में आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा से किस तरह से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल कैलकुलेशंस। और वहां आपने देखा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म हमने बनाया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हमने बनाया, पोलर फॉर्म हमने बनाया, साइनसॉइडल फॉर्म हमने बनाया। तो इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को एक से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है इसके बारे में जो डिस्कशन हम करेंगे वो कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा से रिलेटेड ही होगा, लेकिन इसमें एक तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर से कैसे कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा किया जा सकता है, और दूसरी चीज ये कि कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो वीडियो नंबर 38 हमने किया था उसमें आपको फेजर के थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने करना बताया था, जिसमें आपको मेथड ऑफ कंपोनेंट्स की मेथड के थ्रू आपको एडिशंस करके दिखाए गए थे। तो आज वही सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन आज हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स के थ्रू होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ये जो चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इन सबको हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला है एडिशन। एडिशन आपको कैसे करना है, लेट अस से इसके लिए हम जो भी ऑपरेशन करेंगे हम दो क्वांटिटीज ले लेते हैं। एक ले लेते हैं v1 बार जो हमें दिया हुआ है a1 प्लस जे v1, और एक ले लेते हैं v2 बार जो हमें दिया हुआ है a2 प्लस जे v2। ये दो वोल्टेजेस हमें पता है, हमें कहा गया है कि हमें इनका सम निकालना है, यानी कि v बार इज इक्वल्स टू v1 बार प्लस v2 बार आपको चाहिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप करेंगे a1 प्लस जे b1 प्लस a2 प्लस जे b2। इन दोनों को एडिशन करना है। एडिशन करते टाइम आप ध्यान रखें कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर से ऐड होगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हम इसको करेंगे a1 प्लस a2, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, एक साथ हमने ऐड किया, प्लस जे b1 प्लस b2, ये इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको a1 प्लस a2 का सम मिल जाएगा, b1 प्लस b2 का सम मिल जाएगा। इसके लिए a ये हो जाएगा प्लस j b ये हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही मिलेगा, a प्लस j b के फॉर्म में ही मिलेगा, जिसको आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। जैसे आपको अगर r एंगल थीटा में कन्वर्ट करना है तो यू कैन कन्वर्ट इट बाय यूजिंग यू हैव फॉर्मूलेज r इक्वल्स टू √ ऑफ a² + b² एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b / a। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, यू कैन इजीली कन्वर्ट देम एंड देन फर्दर यू कैन सिंपलीफाई और कन्वर्ट इनटू साइनसोइडल फंक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म है जो हमने वोल्टेज एज्यूम किए हैं, दिस इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट। ये आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एडिशन करना है तो एडिशन इज वेरी मच सिंपल बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करके आप बहुत आसानी से उनका एडिशन कर सकते हो। जैसे आपने वीडियो नंबर 38 में देखा था, जब हमने दो साइनसोइडल क्वांटिटीज को ऐड किया था तो हमने पहले उनको फेजर में कन्वर्ट किया था, उसके बाद उसका फेजर बनाया था। फेजर बनाने के बाद फिर हमने मेथड ऑफ कंपोनेंट्स के थ्रू उनको सॉल्व करते हुए फाइनली एडिशन का रिजल्टेंट निकाला था। यही वो काम हम कर रहे हैं। आपके पास दो वोल्टेजेस हैं, एक है v1 एक है v2। आप इन v1 और v2 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपका होगा, किसी भी फॉर्म में अगर आपको वोल्टेजेस या करेंट्स या कोई भी क्वांटिटी आपको दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड देन सिंपली पुट द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन अगर आपको करना है तो यू विल सिंपली डू लाइक दिस, राइट। दूसरा, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हुए भी आपको सिमिलर करना है। एक है v1 दूसरा है v2। अगर आपको एक रिजल्टेंट निकालना है v बार जो v1 माइनस v2 आपको पूछ रहा है, तो आप फिर से जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके पास क्वांटिटी है होनी चाहिए आपके इसी फॉर्म में क्वांटिटीज, उन दोनों को बिल्कुल इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ आप सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे a1 माइनस a2 प्लस जे v1 माइनस b2। आप देखिए आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई है। अगर आप इसको देखें तो दिस इज a, इसको देखें तो दिस इज b प्लस जे, ठीक है। एंड देन फर्दर यू कैन सॉल्व इट इनटू r एंगल थीटा और एनी अदर फॉर्म, आप आसानी से कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट और एड टू और मोर क्वांटिटी, दैट इट मीन्स यू हैव टू हैव बोथ द क्वांटिटीज और व्हाटएवर नंबर ऑफ क्वांटिटी यू हैव
दीज मस्ट बी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ओनली. रेक्टेंगुलर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत आसानी से किया जा सकता है. दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का एल्जेब्रिक सम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपली एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर सेपरेटली. इस तरह से आप कर सकते हैं. ठीक है, तीसरा जो आता है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन वो होता है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में लेट अस से यू हैव v1 बार इज इक्वल्स टू a1 प्लस j b1 एंड v2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस j b2. ये दोनों वोल्टेज हैं आपके पास. आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज को आपको कन्वर्ट करना है पोलार फॉर्म में. यहाँ पर r1 एंगल थीटा 1 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं r2 एंगल थीटा 2. इन दोनों को हमने पोलार फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये हमारे पास हो गया पोलार फॉर्म. हमें अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो वी मस्ट हैव ऑल द क्वांटिटीज इन पोलर फॉर्म. ठीक है, पोलर फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा इजी रहता है. कैसे करेंगे, लेट अस से यू वांट टू हैव वी बार इज इक्वल्स टू वी वन बार इनटू वी टू बार. आप लिखेंगे आर वन एंगल ऑफ थीटा वन मल्टीप्लाई विद आर टू एंगल ऑफ थीटा टू. द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू क्वांटिटी विल बी आर वन इंटू आर टू. जो भी इनका मैग्नीट्यूड है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो एंगल होगा वो एंगल आपस में एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा. एल्जेब्रिकली मतलब जो भी आपका प्लस या माइनस साइन एंगल्स में दे रखा है वो साइन के साथ आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. तो ये आपका रिजल्ट हो गया. अब अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर. ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा आर एंगल थीटा. फर्दर यू कैन कन्वर्ट इट एनी फॉर्म, जिस फॉर्म में आप चाहते हैं फिर आप आसानी से अपना कन्वर्जन लगा के सॉल्व कर सकते हैं. राइट, तो इस तरह से आप करेंगे मल्टीप्लीकेशन. अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है तो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस. राइट, फोर्थ नंबर पर आता है आपका डिवीजन. ठीक है, अगर आपको करना है डिवीजन दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का या दो क्वांटिटी का डिवीजन करना है तो लेट अस से आपको चाहिए वी बार इक्वल्स टू वी वन बार अपॉन वी टू बार. तो आपके पास पोलर फॉर्म में दोनों क्वांटिटी होना कंपल्सरी है. यू मस्ट हैव टू क्वांटिटीज लाइक दिस जो हमने अभी ऊपर लिखा था. और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा आप करेंगे आर वन को आर टू से डिवाइड. ठीक है, और जो एंगल आएगा वो होगा न्यूमरेटर के एंगल में से डिनोमिनेटर के एंगल को आप माइनस कर देंगे. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा. यहाँ पर आपके पास ये जो क्वांटिटी है ये आपको आर मिल जाएगी और यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा. तो इस तरह से आप डिविजन भी कर सकते हैं बहुत ईजिली. राइट, समझ में आ गया ये चीज आपको. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि हम कैलकुलेटर के थ्रू किस तरह से सॉल्व करें. तो कैलकुलेटर के थ्रू हमें सॉल्यूशन करना है, उसके लिए हम दो क्वांटिटी ले लेते हैं. लेट अस से वी हैव एग्जांपल लेके चल रहे हैं. वी हैव आई वन बार इज इक्वल्स टू थ्री प्लस फोर जे एम्पियर एंड I2 bar is equals to 2 minus 3 J ampere. ठीक है, आपको ये दो क्वांटिटी दे रखी है. तो इन दोनों क्वांटिटीज को आपको सॉल्व करना है. आपको इनका एडिशन निकालना है. मतलब you want to have I1 bar plus I2 bar. You want to have I1 bar minus I2 bar. तो I1 bar plus I2 bar कितना हो जाएगा, 3 plus 4 J plus 2 minus 3 J. That is equals to 3 plus 2 is 5 and 4 minus 3 is 1. So 5 minus j आपको ये मिल गया. इसी तरह से 3 plus 4 j minus 2 minus 3 j that is equals to 3 minus 2 is 1 and 4 minus minus plus is 7. So 1 plus 7 j ये आपको मिल गया I1 minus I2. Now अगर आपको निकालना है I1 bar into I2 bar, तो अगर आप डायरेक्टली इनको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे 3 into 2 is 6, 3 into 3 is minus 9 j, 4 into 2 is 8 j, and then 4 into 3 is minus 12, and j होता है minus 1, तो plus 12. तो ये आपको मिल जाएगा 12 plus 6 is 18 minus of j. ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया. रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास इसका पोलर फॉर्म होता तो आप आसानी से डायरेक्टली उसको लिख सकते थे. वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा. इसके पहले हम I1 बार अपॉन I2 बार निकाल लेते हैं. तो I1 बार अपॉन I2 बार के लिए आप करेंगे यहाँ 3 प्लस 4 जे अपॉन
2 - 3j. अब फर्दर आपको इसको बढ़ने के लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो आप ऊपर भी 2 + 3j से और नीचे भी 2 + 3j से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9j प्लस 4 × 2 = 8j एंड 4 × 3 - 12 डिवाइडेड बाय a² - b² तो a² = 4 माइनस बी स्क्वायर इज 339 और जे होगा -9 तो 9 + 4 हो जाएगा 13। ये हो गया माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 17j अपॉन 13। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों को कैलकुलेटर के थ्रू कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट करें, राइट? मैनुअली तो आपको सारी चीजें पता चल चुकी हैं, अब कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करने की बारी है। तो लेट्स सी कि हाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेटर है, FX991MS कैलकुलेटर हमारे पास है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो ये ऑन के साइड में दूसरा बटन है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका मोड ऑन हो जाएगा। मोड होने के बाद आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है one COMPLX, ये दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि पहला है आपके पास जो फर्स्ट है वो आपको मोड नहीं लेना है, जो सेकंड मोड है उस मोड के लिए आपको काम करना है। जो सेकंड मोड है वो कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स आपको चूज करना है। तो यू हैव टू प्रेस 2, ये जो नंबर है 2 उसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही 2 प्रेस होगा यहाँ 0 आ जाएगा और ऊपर जो स्क्रीन पे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कॉम्प्लेक्स लिखकर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो कॉम्प्लेक्स मोड में काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास जो वैल्यूज थी वो कौन सी वैल्यूज थी, लेट्स सी वन मोर टाइम व्हाट वर द वैल्यूज हियर। आपके पास वैल्यू थी i1 = 3 + 4j। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर पर 3 + 4j को एंटर करेंगे। कैसे, 3 + 4j, जे यहां पर नहीं होता है तो जे के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, ये जो ENG बटन आपको दिखाई दे रहा है इस बटन को प्रेस करेंगे, ENG। ठीक है, ये बटन प्रेस हो गया, आपको मिला 3 + 4i। यहाँ पर जो j है वो i के टर्म में ही लिखा जाता है तो 3 + 4i ये आ रहा है, तो ये हो गया 3 + 4i। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, जैसे आप इक्वल प्रेस करेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा 3, तो ये आपके पास 3 है, दिस इज 3 हियर। आपको 4i देखना है, 4i कहाँ है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, तो यू विल प्रेस शिफ्ट हियर एंड देन इक्वल टू। जैसे शिफ्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे आपको 4 और उसके नीचे छोटा सा आई लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा इसके आगे, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, तो इट मींस वी हैव एंटर्ड इट एज 3 + 4i। ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको 3 + 4i को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल एज इट इज शिफ्ट प्रेस करेंगे सबसे पहले। जैसे ही शिफ्ट प्रेस हुआ यहाँ पर एस लिख कर आ गया कॉर्नर पे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप प्लस का साइन प्रेस करेंगे। क्यों प्लस का साइन प्रेस करेंगे, क्योंकि प्लस के ऊपर लिखा है आर एंगल थीटा, हमें आर एंगल थीटा फॉर्म में ही चाहिए, पोलर फॉर्म में ही चाहिए, तो वील प्रेस इट प्लस। जैसे ही आप प्लस प्रेस करेंगे स्क्रीन पे इस तरह से लिख के आएगा आंसर इज बीइंग कन्वर्टेड टू आर एंगल थीटा फॉर्म एंड देन यू विल प्रेस इक्वल। जैसे ही आपने इक्वल प्रेस किया यू हैव सीन आपको दिखाई दे रहा है 5। ठीक है, 5 आपको दिख रहा है, मतलब ये आपको जो मिला है ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बाद अगर आपको एंगल देखना है तो एंगल के लिए यू विल अगेन प्रेस शिफ्ट एंड देन इक्वल, तो यू विल सी एंगल ऑफ, यहाँ पर अगेन प्लस या माइनस का साइन नहीं है, एंगल यहाँ पर छोटा सा बना हुआ है, दिस इज द एंगल हियर, एंगल 53.13010235, राइट? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम लिख देते हैं। हमारे पास I1 का जो वैल्यू आया है दैट इज इक्वल्स टू 5 एंगल ऑफ 53.13 एम्पियर, राइट? तो आपका कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। इसी तरह से दूसरा कन्वर्जन करेंगे, दूसरे कन्वर्जन के लिए आप देखेंगे दूसरा है 2 - 3j, तो अगेन इसको रिसेट कर देते हैं, यू विल प्रेस 2 - 3i। ठीक है,
2 माइनस 3 आई प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, यू यू विल फाइंड इट हियर 2, देन शिफ्ट इक्वल इज माइनस ऑफ 3 आई, राइट? नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म, यू विल प्रेस शिफ्ट प्लस साइन, योर आंसर इज बीइंग कन्वर्टेड टू आर एंगल थीटा, यू विल प्रेस इक्वल, यू सी हमें मिल रहा है 3.60 एंड देन शिफ्ट एंगल माइनस 56.30. इस बार माइनस लग के आया है तो इसका मतलब है एंगल है हमारा माइनस का. तो वापस से हम लिख देते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमारा आ रहा है, लेट्स सी, दिस इज इक्वल्स टू, हमें मिला था 3.6 एंगल ऑफ माइनस 56.30 एम्पियर. ठीक है, ये आपका सीधे सीधे कन्वर्जन हो गया. अगर आपको रेक्टेंगुलर से पोलार में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे. दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास पोलर में कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए आपके पास है 5 एंगल 30 डिग्री, तो 5 एंगल 30 कैसे एंटर किया जाएगा? आप पहले प्रेस करेंगे 5, ठीक है, 5 के बाद आप प्रेस करेंगे शिफ्ट, शिफ्ट के बाद आप यहां पर देखेंगे कि इस माइनस साइन के ऊपर बना हुआ है एंगल, तो यू विल प्रेस इट हियर एंगल, तो एंगल का साइन आ जाएगा एंड देन 30. ठीक है, जैसे आप 5 एंगल 30 प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा 4.33 शिफ्ट इक्वल 2.5 आई. इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने एंटर किया था पोलर फॉर्म में, लेकिन इसका जो आंसर आया है वो आया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में. तो इट मींस आपका जो कैलकुलेटर है, आप उसमें किसी भी फॉर्म में वैल्यू डाले, वो आपको हमेशा जो आंसर देगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देगा. उसके बाद आपको रेक्टेंगुलर से पोलार में कन्वर्ट करना होगा अगर आपको उसको पोलार में देखना है. अगर आपको इसको पोलार में ही देखना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? यू विल प्रेस हियर शिफ्ट एंड प्लस साइन, मींस यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म एंड देन इक्वल. अब आप देखेंगे आपको मिल रहा है 5 शिफ्ट इक्वल एंगल 30 डिग्री. ठीक है, दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. इस तरह से आप ये चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. अब मान लीजिए आपको दो क्वांटिटीज को पॉजिटिव प्लस करना है, मान लीजिए v1 प्लस v2 करना है, और v1 का वैल्यू है, आप ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पर बहुत ध्यान से, v1 का वैल्यू है 2 प्लस 3 i, ब्रैकेट क्लोज, आप फिर प्लस करेंगे, दूसरा वैल्यू है मान लीजिए आपके पास 4 माइनस 2 i. ठीक है, आप डायरेक्टली दोनों का अलजेब्रिक सम करने जा रहे हैं, दोनों को एडिशन करने जा रहे हैं. जैसे ही आप दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड प्रेस करेंगे एंटर, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी किस फॉर्म में मिलेगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में. आप देखिए जो रियल टर्म्स थी 4 प्लस 2, उसको उसने 6 बताया, और जो इमेजिनरी टर्म्स थी उसने किया 3i माइनस 2i, दैट इज 1i. ठीक है, जो कि प्लस का होगा. तो ये आपको आंसर मिल गया. उसके बाद आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यू विल प्रेस शिफ्ट एंड प्लस एंड इक्वल, यू विल गेट द आंसर इन पोलर फॉर्म, दैट इज 6.082 एंगल ऑफ 9.462 डिग्री, राइट? तो इस तरह से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, कोई भी वैल्यू को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब कर सकते हैं. बट आपका ध्यान रहे कि आपको जो भी आंसर कैलकुलेटर देगा इनिशियली, वो सारा का सारा आपको किसमें मिलेगा? वो मिलेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में. देन फर्दर अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर कन्वर्ट करना होगा, राइट? अब अगर आप वापस से बैक जाएंगे और वीडियो नंबर 38 को देखेंगे, जहां हमने मल्टीपल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था, दो साइनसोइडल फंक्शंस लिए थे, उनमें आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सिंपली क्या लेना है? उनका पोलर फॉर्म लेना है. उस पोलर फॉर्म को या तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली पोलर फॉर्म में यहाँ पे डाल दीजिए. मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी कि आपके पास दोनों वैल्यू पोलर फॉर्म में है तो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन करेंगे, मान लीजिए v1 है आपके पास 2 एंगल 30 डिग्री, हमने लिख दिया 2 एंगल 30, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन आपको इसको ऐड करना है प्लस, आपके पास दूसरा है 5 एंगल माइनस 45, तो आप सिंपली 5 एंगल माइनस 45 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दूसरा एंड इक्वल प्रेस करेंगे. आपको आंसर किसमें मिलेगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो आ रहा है 5.267 शिफ्ट इक्वल माइनस 2.53j, राइट? अब इसको अगर आपको पोलार में चाहिए तो शिफ्ट प्रेस प्लस इक्वल, यू विल गेट द आंसर इन पोलार फॉर्म एज 5.846
एंगल ऑफ -25.7 डिग्री, ये आपको पोलर फॉर्म मिल गया। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी कर सकते हैं इजीली, और कन्वर्ट करके आप उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करते हुए ही कर सकते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर वर्क को जो हमने अभी अभी किया था उस वर्क को करके देख लेते हैं। ठीक है, हमें जो वैल्यूज मिली थी उन वैल्यूज के हिसाब से ये जो वैल्यू है 3+4j एंड 2-3j, इनके क्या आंसर्स आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं ये हम डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके देखेंगे। तो हमारे पास है 3+4j, वी विल प्रेस 3+4j देन 2-3j प्लस 2-3j प्लस किया हमने, इक्वल प्रेस किया, हमें आंसर मिल गया 5-j। ओके, दिस इज प्लस, हमने यहां पर गलत किया हुआ है, 4-3 राइट right? तो 5+j हो गया। अब आपको इसको अगर पोलर में कन्वर्ट करना है तो आप अपनी प्रोसीजर को लिखते हुए करेंगे पोलर फॉर्म में, ये आ गया इक्वल टू 5.09 एंगल ऑफ 11.30 डिग्री एम्पियर, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 3+4i माइनस ऑफ 2-3i, इक्वल प्रेस करेंगे आपको मिलेगा 1+7j या i जो हमने लिखा हुआ है। फर्दर यू विल कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म, यू विल गेट 7.07 एंगल ऑफ 81.86 डिग्री एम्पियर। यूजुअली जब आप इनको सॉल्व करते हो तो मेक ए हैबिट कि आप पॉइंट के 3 डिजिट्स का आंसर जरूर लिखें, क्योंकि उससे कैलकुलेशंस में आपके आंसर्स हमेशा मैच होंगे। आप जैसे हम अभी लिख रहे हैं 2 डिजिट, तो 2 डिजिट्स लिखने की जगह आप 3 डिजिट्स को हमेशा कंसीडर करें पॉइंट के बाद। ठीक है, उससे आपके आंसर्स में जो एक्यूरेसी है वो हमेशा बनी रहेगी। नाउ यू वांट टू मल्टीप्लाई, सो 3+4i मल्टीप्लाइड विद 2-3i, 2-3i इज इक्वल्स टू, आंसर आया 18 माइनस जे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म, ये आ रहा है 18.027 एंगल ऑफ -3.179, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे एम्पियर। ठीक है, नाउ लेट्स डू डिवीजन, डिवीजन करते हैं। डिवीजन के लिए आपके पास 3+4i डिवाइडेड बाय 2-3i, डिवाइड करने पे आपको मिलेगा माइनस, पहले हम इसका एज इट इज आंसर लिख लेते हैं, -0.461 प्लस 1.307j। ठीक है, ये जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, एंड देन फर्दर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लिखेंगे इसको, आंसर मिलेगा 1.386 एंगल ऑफ 109.44 डिग्री एम्पियर। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अब आप एक चीज देखिए कि आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो रेक्टेंगुलर में ही इजी होता, बट जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए आप, हमने बताया था कि अगर पोलर फॉर्म में है तो ज्यादा आसान है, आपको क्या करना है जो दोनों के मैग्नीट्यूड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट मल्टीप्लाई विद 5 × 3.6, यू विल गेट 18.027, एंड आपको क्या करना है दोनों एंगल्स को ऐड करना है, तो 53.13 -53.30 आपको मिलेगा -3.179 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। सिमिलरली फॉर द डिवीजन, डिवीजन में हमने बताया था 5/3.6 करेंगे तो यू विल गेट 1.386, एंड देन फर्दर 53.13 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो दोनों ऐड हो गए, ऐड होने के बाद आपको मिलेगा 109.44। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व ऑल दीज थिंग्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत इजीली ये सब कन्वर्जन हो जाते हैं और इनको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरह से मिलेंगी, जैसे I1 bar आपको मिलेगा 2+j3 एम्पियर, जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वो नंबर से पहले लिखा रहता है, तो कैलकुलेटर में हमेशा जो वैल्यू प्रेस होगी वो इस तरह से होगी 2+3i। ठीक है, वो i को पहले नहीं लेगा, अगर आप i को पहले लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इस चीज का एक ध्यान रखना है।
बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास साइनसोइडल क्वांटिटीज हैं, P1 इज इक्वल टू 10 साइन 314 टी प्लस 30 डिग्री, V2 इक्वल्स टू है 5 साइन 314 टी माइनस 45 डिग्री। आप निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट फेजर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको डायरेक्टली पोलार में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पोलार कन्वर्जन ज्यादा आसान है। तो 10 बाय रूट टू एंगल ऑफ 30 डिग्री V1 बार इज इक्वल्स टू V2 बार इज इक्वल्स टू 5 अपॉन रूट टू एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री। और यहीं की यहीं इन दोनों को चाहे तो आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लें, और या तो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डू इट, 10 बाय रूट टू, ठीक है, 10 बाय रूट टू एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये हमें मिल रहा है 6.123 प्लस 3.535 जे, ठीक है, ये हमें मिल गया। दूसरे को कन्वर्ट करेंगे 5 अपॉन रूट टू एंगल ऑफ माइनस 45, हमें मिला 2.5 माइनस 2.5 जे, माइनस 2.5 जे, ये दोनों मिल गए। अब हमें अगर ऐड करना है तो हम चाहे तो यहां से इन दोनों को ऐड कर लें, या डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे। वैसे मेरी एडवाइस यही है कि आप जब भी कॉम्प्लेक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो हमेशा किसी भी क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करते हैं तो पोलार और रेक्टेंगुलर फॉर्म दोनों ही उनको वहां पर लिखें, जिससे कि क्लैरिटी बनी रहती है आपको भी, और कोई अगर आपका सॉल्यूशन देख रहा है तो उसको भी, क्योंकि हर स्टेप का आंसर पोलार फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म दोनों में ही आना चाहिए। तो अब अगर आप रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो यू हैव टू सॉल्व इट v = v1 बार + v2 बार, v1 बार + v2 बार आप करेंगे डायरेक्टली पोलार से या वहां से कर सकते हैं। हम यहाँ कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो आप चाहें तो डायरेक्टली उससे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कैलकुलेटर में प्रॉपरली ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि मल्टीपल जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उस केस में कैलकुलेटर की हेल्प, बिना कैलकुलेटर के आप गलतियां कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको पहले यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख लिया। या फिर आप कर सकते थे कि पहले 10 बाय रूट 2 को सॉल्व कर लेते, फिर उसके साथ एंगल लगा देते, तो 10 बाय रूट 2 होता है 7.707, तो ये हो जाता आपके पास 7.071 एंगल ऑफ 30 डिग्री, और पाई बाय रूट 2 हो जाता आपके पास 3.535 एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री। नाउ यू कैन सॉल्व देम डायरेक्टली, यू हैव 7.071 एंगल ऑफ 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 3.535 एंगल ऑफ माइनस 45, यू विल प्रेस एंटर। जैसे आप प्रेस करेंगे एंटर को आपको मिलेगा 8.623 प्लस 1.035 जे। अब आप देखिए जो सॉल्यूशन है इन दोनों का एडिशन ही है, पहला ये और दूसरा ये, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। देन कन्वर्ट इट इनटू आर एंगल थीटा, यू विल गेट 8.685 एंगल ऑफ 6.849 वोल्ट। अब आप इससे डायरेक्टली साइनसोइडल फंक्शन लिख सकते हैं, आपके पास है r angle of theta, you have resultant v is equals to v1 plus v2 as, ये RMS value है, इसमें आप multiply करेंगे root 2 का, जिससे आपको maximum value मिल जाएगी, sin 314 omega की value हमारे पास पहले से है 314 t plus 6.849 degree volts, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो वीडियो नंबर 38 में जो मेथड्स बताई गई थी वो सब कन्वेंशनल मेथड्स हैं, और यहाँ पर जो मेथड हम लेके चल रहे हैं वो सब कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा से सॉल्व करके हम बता रहे हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स से क्वांटिटीज को सॉल्व किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। एसी सर्किट्स में मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व बाय कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा, और बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा को लर्न करना इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये किस तरह से आप कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई कि कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरह से बहुत आसानी से हम इन क्वांटिटीज को रेक्टेंगुलर से पोलर या पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तीसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि कैलकुलेटर में जो भी आंसर आता है वो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है, जिसको आपको हमेशा अपने कॉपी पे लिखना चाहिए, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना चाहिए पोलार में, देन उसको भी नोट करना है। तो जितने भी आंसर्स आपको मिलेंगे, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो सब के सब रिजल्ट्स आपको अपनी कॉपी पे लिखते हुए चलना है, जिससे बेटर क्लैरिटी बनी रहती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिस और करिएगा, बाकी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारी इन सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिस होती रहेगी। बट अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उस बुक की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें कर सकते हैं कि आप कैसे इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आपको मिलेगा करने के लिए। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो से हम नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। राइट, सो थैंक यू।